कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, जम्मू संभाग पर तो सबसे ज्यादा नजर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहीं की जनता तय करेगी कि जम्मू और कश्मीर का सरताज आखिर कौन बनेगा। लेकिन रिफ्यूजी, शरणार्थी, जिन्हें एक मौका मिला है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का, उनके आंकड़ों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ पोलिंग बूथ का नजारा भी आप जरूर दिखाएं। बिल्कुल सुबीना, आपने बहुत बिल्कुल सही कहा कि जम्मू की जनता पर निर्भर करता है कि जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन बनेगा। देखिए, ये इतने सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये खाली 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वोट डालेंगे, बाल्मीकि समाज के लोग वोट डालेंगे, उनको बेहद खुशी है कि वो वोट डालेंगे। कुछ ही देर में वो यहीं आएंगे, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, अभी लोग यहाँ पर पहुंचे नहीं है, लेकिन तैयारियां कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज लोग अपने मत का उपयोग करेंगे और यहाँ पर आएंगे, अपना नुमाइंदा चुनेंगे, और इन्हीं लोगों के नुमाइंदा चुनने के बाद ही तय हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर में आखिर सरकार किसकी बनेगी। लेकिन खुशी इस बात की है लोगों को कि 10 साल बाद चुनाव हुए और धारा 370 हटने के बाद ये जो चुनाव होंगे, इसके बाद जो सरकार बनेगी उसमें क्या बदलाव आएगा, जम्मू में क्या नया होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपना नुमाइंदा चुने और यहाँ पे डेवलपमेंट हो, खासकर जम्मू कश्मीर की। भारत का ताज कहते हैं जम्मू कश्मीर को, तो वो ताज सजने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गया, बस 8 अक्टूबर का इंतजार करना है। जी सबीना, बिल्कुल। और राजनीतिक समीकरण को भी आपसे समझेंगे, हालांकि अभी काफी वक्त है, लेकिन कोमल, क्योंकि अभी मतदाताओं को आने में भी वक्त लगेगा, 7 बजे से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जैसा रिफत भी कह रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत समय है, और जाहिर सी बात है जम्मू और कश्मीर का शायद ही कोई कोना हो जो अपने आप में बेपनाह खूबसूरती को समेटे हुए नजर ना आता हो। लेकिन क्या लगता है आपको कोमल, क्योंकि आप इसे कवर कर रही हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, हालांकि थोड़ा परसेंटेज जो है वो जरूर कम नजर आया दूसरे चरण में, इस बार क्या तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि जम्मू संभाग पर सबसे ज्यादा फोकस, खूब प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि जीत का रास्ता इसी संभाग से होकर गुजरता है। देखिए समीना, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, ये लोकतंत्र का पर्व आज मनाना है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, और लोगों का ये कहना है कि किसी भी तरह अगर लोग बाहर डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब कर रहे हैं, वो छुट्टी लेकर जम्मू पहुंचे हैं। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आज सरकार चुननी है, आज लोगों ने अपना MLA चुनना है, आज लोगों ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उस नुमाइंदे को चुनना है जिन पे वो भरोसा करते हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, देखो लोकल पार्टी भी है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, आजाद उम्मीदवार है, 24 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे, उनको भी देखना है कि उनको क्या, उनका क्या रिजल्ट आता है। और जम्मू खित्ते की बात करें, जिस पोलिंग बूथ पे हम हैं, हमेशा यहाँ पर से इस पोलिंग बूथ पे सीट से कविंद्र गुप्ता को टिकट मिलती थी, और अब टिकट जो भाजपा ने भरोसा जताया है विक्रम रंधावा पर, तो अब देखना यह है कि लोगों का भरोसा किस अपने उम्मीदवार पे है, क्योंकि सरकार बननी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने हैं। और यहाँ का जो समीकरण आपने बात करी, जम्मू कश्मीर में लोग अब ठीक, उस समीकरण के लिए भी कोमल आपसे आगे जरूर जानकारी लेंगे, क्योंकि इन्हीं समीकरणों को दिखाते हुए पोलिंग बूथ में जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए, जनता की उत्साह को दिखाने के लिए हमारे साथ समीर भट्ट भी मौजूद है जम्मू के गांधीनगर से। समीर, आप भी जम्मू भाग से ही यहां पर मौजूद है, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब रमन भल्ला के भाई विनोद भल्ला ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन्हीं समीकरणों को जानते हुए पीछे पोलिंग बूथ की तस्वीर जरूर दिखाइएगा, हालांकि वक्त है अभी यहां पर मतदाताओं के आने का, लेकिन क्या तस्वीर नजर आ सकती है? देखिए, पहले तो पोलिंग बूथ का थोड़ा व्यू आप देख लीजिए, ये मैं गांधीनगर में हूँ और ये पिंक पोलिंग स्टेशन है 26 गांधीनगर, ये बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहाँ पे ज़बरदस्त मुकाबला है, हालांकि 24 की 24 सीटें यहाँ पे, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग में, तो वहाँ पे मेनली ज़्यादातर जगहों पे कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, या जो कांग्रेस NC अलायंस का जो कैंडिडेट है उनका और बीजेपी का मुकाबला है। लेकिन अगर हम इस बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ये जो पिंक पोलिंग स्टेशन आप देख रहे हैं, इसको बड़ा ही डेकोरेट किया गया है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आप इसको देख सकते हैं। और ये पिंक स्टेशन की खास बात यह है कि महिलाओं के लिए, जो महिलाएं हैं वही उसको मैनेज कर रही हैं, जो महिला स्टाफ है उसी को लगाया गया है, डिप्यूट किया गया है, मीन्स कि वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है ये, वुमेन्स मैनेजिंग पोलिंग स्टेशन है। और पिंक पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, तो इनका भी अपना एक बहुत ही ज़्यादा रहा है, महत्व रहा है, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, वुमेन को पार्टिसिपेट करवाने के लिए पोलिंग प्रोसेस में, तो इन पिंक पोलिंग स्टेशन का भी अपना योगदान रहा है। बाकी जो
आपने समीकरण की बात कही तो देखिए गुलाम नबी आज़ाद DPAP के जो चीफ हैं, मैं आपको बता दूं एक अपडेट ये आ रहा है कि वो बहुत जल्द यहाँ इसी पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने के लिए आए हैं, DPAP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के नेता। लेकिन अगर हम DPAP की बात करें तो जम्मू में कोई खास उनका असर नहीं रहा है, ना तो उन्होंने कोई कैंपेनिंग ज़्यादा की है। मेनली जो फाइट है वो नेशनल जो कांग्रेस और BJP की है। और अगर 2014 की बात करें तो बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर समीर ने भी दिखाई है कि किस तरह से पिंक पोलिंग बूथ जो है फिलहाल अभी सूना है, लेकिन बहुत जल्द ये भी मतदाताओं से भरा हुआ नजर आएगा।